और बिग वेलकम टू माय चैनल गॉर्जियस गर्ल। तो गोरा होना चाहते हो आप, है ना? बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोग होंगे जो चाहते हैं कि उनका रंग गोरा हो जाए, उनका जो शेड है, स्किन टोन है, वो काफी लाइट हो जाए। तो कैसे पॉसिबल है? बहुत सारे आपने सेलिब्रिटीज को देखा होगा, उनकी पहले रंगत बहुत ब्लैकिश लगती है, उसके बाद अभी के जो उनके पिक्स देखते हो अगर आप, तो वो काफी लाइट हो जाते हैं। हम सोचते हैं शायद इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करा दी होगी, शायद ये फोटोशॉप का कमाल होगा। बहुत बार ऐसा होता है ना, सिर्फ फोटोशॉप सिर्फ एडिटिंग की वजह से काफी फर्क नजर आता है। या फिर बहुत सारे सेलिब्रिटीज तो ऑब्वियसली उनके पास यही इनकी फील्ड है, तो वो खर्चा भी कर सकते हैं, तो वो प्लास्टिक सर्जरी भी करा सकते हैं। पर क्या सब प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं या फिर सब सेलिब्रिटीज सिर्फ फोटो एडिटिंग पे ही डिपेंड है? ऐसा नहीं होता। हर किसी का कोई अपना अलग तरीका होता है, हर कोई लोग कुछ ना कुछ अलग अलग डिफरेंट चीजें ट्राई करते हैं। अभी मार्केट में बहुत टाइम से स्पेशली आपको ऑनलाइन एक चीज मुझे बहुत दिख रही थी, बहुत सारे लोग इसके रिव्यू दे रहे थे, बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक्सपेरिमेंट करके देखूं। मैं बात करें अबाउट दिस वन, यानी कि ग्लूटोन 1000, मैं इसकी बात कर रही हूँ। बहुत टाइम से मैं ये प्रोडक्ट देख रही थी, ऑनलाइन बहुत बिक भी रहा था और बहुत सारे लोग इसे ट्राई भी कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसे ट्राई करके देखूं। मैंने पूरा 4 महीने का इसका जो कोर्स है वो कंप्लीट किया, उसके बाद आज मैं वीडियो बना रही हूँ, आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप भी जानना चाहते हो क्या ये वाकई में इफेक्टिव है, क्या ये ब्लैक को व्हाइट बना देता है, आपकी पूरी बॉडी को लाइटन बना देता है या फिर व्हाइटन कर देता है, क्या ये सच में जो दावा करता है वैसा है कि नहीं, तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है इसकी सच्चाई। सो फर्स्ट तो मैं आपको बता दूं, ग्लूटाथाइन की कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। मैंने इसे कंज्यूम किया तो मुझे इसकी कोई भी साइड इफेक्ट नजर नहीं आई, बट ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट करता है। तो आप कुछ भी ट्राई करने से पहले किसी भी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट या डॉक्टर की एडवाइस जरूर लें। ऐसे ही कोई भी चीज आप ना लें, स्पेशली फॉर स्किन, एंड अगर आपको कोई और दवाई भी आप साथ में कंज्यूम कर रहे हो तो बेटर रहेगा कि इसे आप लेने से पहले किसी डॉक्टर की एडवाइस जरूर लें। ग्लूटाथायोन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि एक पिगमेंट पैदा करता है जिसे कहते हैं मेलानिन। अब मेलानिन की 2 प्रकार होते हैं, फर्स्ट है डार्क मेलानिन एंड सेकंड वन इज द लाइट मेलानिन। अगर आपका मेलानिन लाइट है तो आपका स्किन टोन लाइट होगा, और अगर आपका मेलानिन ही डार्क है तो आपका कलर, आपका स्किन टोन भी डार्क होगा। आपके बालों का कलर और आपकी स्किन टोन, ये सब मेलानिन पे डिपेंड करता है। अगर आपका मेलानिन किस टाइप का है उस पे ये डिपेंड करता है कि आपका स्किन टोन कैसा होगा। तो ग्लूटाथायोन क्या करता है, ग्लूटाथायोन आपका डार्क मेलानिन होता है उसे लो बना के आपका जो लाइट मेलानिन है उसे हायर बनाता है, यानी कि आपकी स्किन टोन इस तरीके से साइंटिफिकली आपकी स्किन को गोरा करने में थोड़ी बहुत हेल्प करता है। ग्लूटाथायोन ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आप एज अ सप्लीमेंट लेते हो तो वो बहुत ही देर से और बहुत ही स्लोली इफेक्ट करता है, इसलिए ये 4 महीने का पूरा कोर्स आपको कर अगर आप फर्क देखना चाहते हो। तो मार्केट्स में अभी 3 टाइप के ग्लूटाथायोन के जो सप्लीमेंट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो अवेलेबल हैं, जिसमें से फर्स्ट है टॉपिकल। टॉपिकल यानी जिसे आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल है फेस वॉश, सॉप एंड क्रीम। फेस वॉश मैंने खुद यूज करके देखा था, एंड देन सॉप एंड क्रीम्स भी इसके अवेलेबल है। इसका सेकेंड है ओरल में आपको जो माउथ स्प्रे है वो, एंड द सेकेंड वन ये जो मैंने आपको टेबलेट्स दिखाई, ये टेबलेट्स ओरल में आपको मिल जाएंगी। अगर सबसे ज्यादा इफेक्टिव वे है इसका तो ये है टेबलेट ही। अगर आप वाकई में कुछ ट्राई करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप टेबलेट के लिए ट्राई कर सकते हो। एंड थर्ड है आईवी यानी ये इंजेक्शंस, ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस भी हैं मार्केट्स में, तो आप वो भी ले सकते हो अपने डॉक्टर के रिकमेंडेड के हिसाब से। सो अब हम देखते हैं कि इसे हमें लेना कैसे है, यानी कि ग्लूटोन 1000 को आपको लेना होता है एस्कोर जेड के साथ। ये दोनों आपको साथ में ही लेने होते हैं, इनका एक कंबाइंड पैक ही आपको मिलता है। इसकी प्राइस थोड़ी हाई है, आपको मैं नीचे लिंक दे दूंगी, अगर आप बाय करना चाहते हो, आप ट्राई करना चाहते हो। इसे स्पेशली कौन ट्राई कर सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ट्राई कर सकते हैं, बट 18 अबव ही इसे ट्राई करें, इससे नीचे के नहीं। एंड अगर आपकी शादी होने वाली है थोड़े ही टाइम में तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा आप एक्टिंग या फिर मॉडलिंग के फील्ड में हो तो भी आप इसे ट्राई जरूर कर सकते हो। इसकी इफेक्ट जब तक आप इसे लोगे तब तक रहेगी, इसके बाद 1 महीने तक आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद
इसकी इफेक्ट धीरे धीरे कम होती जाएगी। ये है ग्लूटाथायोन 1000 जिसमें 15 टेबलेट्स आती हैं एंड ये है एस्कोर्ट जेड जिसमें 20 टेबलेट्स आती हैं। दोनों को आपको साथ में ही लेना होता है। एस्कोर्ट जेड लेमन फ्लेवर में है, इसके अलावा ये ऑरेंज फ्लेवर में भी आता है, बट लेमन फ्लेवर में जो है उसमें जिंक है और जिंक आपके नेल्स के लिए, बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इसलिए मैंने ऑरेंज फ्लेवर ना लेके लेमन फ्लेवर मंगवाया था। तो अब इन दोनों को बारी बारी करके हम इस पानी में डाल देंगे। पानी आपको नॉर्मल लेना है, ना गुनगुना ना ठंडा, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर पे होता है बस वही। आप देखिए ये जो टैबलेट थी वो अपने आप घुल रही है और ऊपर इसके बुलबुले हो रहे हैं। दोनों इस तरीके से बारी बारी डाल देनी है टैबलेट्स, आपको मिलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप डाइल्यूट हो जाएगी और ये ड्रिंक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई दवाई है, कोई टैबलेट्स है या आपको कोई ड्रिंक लगेगा। तो इसे एम्प्टी स्टमक आपको मॉर्निंग में लेना है, इसे पीने के बाद आधे घंटे तक आपको कुछ नहीं लेना। रिजल्ट्स की, इसके रिव्यूज की, तो पर्सनली मुझे इतना कुछ खास इसका रिजल्ट नहीं लगा, क्योंकि इसमें एक बात ये है कि आप जब तक ये प्रोडक्ट यूज करते हो तब तक ही आपको इसका रिजल्ट नजर आएगा। उसके बाद जैसे आप इस प्रोडक्ट को छोड़ रहे हो तो एक महीने तक बस वो धीरे धीरे करके आपकी स्किन वापस जैसे है वैसी हो जाएगी, तो आप इसे रेगुलर बेस पे तो नहीं ले सकते हो ना। दूसरी बात इसकी ये है कि ये थोड़ा सा महंगा है तो हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। खुद डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं कभी भी हमारा कलर सडनली इतना ज्यादा चेंज नहीं होता, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपकी स्किन अनइवन है, अनबैलेंस्ड है, कहीं पे काला कहीं पे गोरा इस तरीके से हो गया है, सन की वजह से टैन हो गई है स्किन, तो हाँ उसका डेफिनेटली इलाज है, पर ऐसा कोई इलाज नहीं है अभी तक कि आपकी स्किन अगर काली है तो उसमें से गोरी हो जाएगी, ऐसा आज तक कुछ भी फाइंड आउट नहीं किया गया है। तो आप भी इन सारी चीजों से दूर रहें, ऐसा कुछ भी एक्सपेरिमेंट ना करें। आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो, बट उसके लिए आपके पास कोई पर्टिकुलर रीजन होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि आप बस दुखी हो के ये सोचो कि मुझे बस अपना कलर गोरा करना है। आपका जो भी कलर है, जो भी शेड है, उससे प्यार कीजिए, अपनी स्किन को कैसे और ज्यादा हेल्दी बना सकते हैं उसके बारे में सोचिए, वो कीजिए। हेल्दी स्किन ही परफेक्ट ग्लोइंग स्किन होती है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एक वीडियो में। टिल देन बाय बाय।